पाकिस्तान का नंबर वन इदारा यूईटी टैक्सिला ऑफर करता है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग प्रोग्राम, जिसमें हम बच्चों को सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, साफ पानी, साफ हवा जैसे कि स्मोक के मसाइल हैं और इस तरह वेस्ट वाटर और बहुत सारे माहौलियाती मसाइल से निपटने के लिए तालीम देते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी टैक्सिला में एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का शोबा कायम है। यह शोबा सिविल एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग की फैकल्टी के तहत काम कर रहा है। After graduating from UET, I started working in environment consulting firms and later I moved abroad for further studies and completed my master's in lead. पूरे मुल्क में माहौलियाती बहरानों और मसाइल को मद्देनजर रखते हुए माहौलियाती इंजीनियरिंग के शोबे में तरबियत याफ्ता पेशावर अफराद तैयार किए जाते हैं। During my time at UET, I was fortunate to immerse myself in a dynamic learning environment driven by passionate faculty, which led to great opportunities. ग्रेजुएट्स को माहौलियाती मसाइल जैसे पानी और गंदे पानी की सफाई, हुआ और शोर की आलूदगी, दरिया और जमीन की आलूदगी वगैरह के लिए इंतहाई हौसला अफजाई और तरबियत दी जाती है। मैं यूईटी टैक्सिला से ग्रेजुएट हूँ और अभी पाकिस्तान में कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट का बिजनेस कर रहा हूँ। हम अपने बिजनेस में एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग स्ट्रेटजीज को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। हम लोग ज्यादा से ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट डिजाइन की तरफ जाते हैं, जिसमें रोड स्ट्रक्चर को बेहतर से बेहतर बनाया जाता है ताकि व्हीकल में फ्यूल कंजम्पशन जो है वो कम से कम हो, जिससे एयर पोल्यूशन को कंट्रोल किया जाता है। महकमा मुस्तकबिल करीब में माहौलियाती इंजीनियरिंग के शोबे में मास्टर और डॉक्टरेट प्रोग्राम पेश करेगा।